सरकार द्वारा लोगों के कल्याण के लिए अनेक योजनाएं चलाई जा रही है, लेकिन इन योजनाओं में कुछ योजनाएं धरातल पर सही रूप से नहीं उतर पाती है, जिसके कारण इसका लाभ लोगों को पूरी तरह से नहीं मिल पा रहा है। सोलन मंडल में केंद्र सरकार के सहयोग व सिंचाई एवं जनस्वास्थ्य विभाग के माध्यम से मंडल के किसानों को सिंचाई व्यवस्था के लिए 84 जल भंडारण टैंक बनाए गए थे, लेकिन ये जल भंडारण टैंक लोगों की मंशा पर पूरे नहीं उतर पाए। सोलन मंडल में जल भंडारण टैंकों का निर्माण तो किया गया, लेकिन अधिकतर टैंकों में पानी की एक बूंद तक नहीं ठहर पाई। इस संदर्भ में संबंधित विभाग को लोगों ने लिखित एवं मौखिक शिकायत करने का भी दावा किया, लेकिन 2014 में बने इन टैंकों का हाल देखने विभाग कभी नहीं गया, जिसके कारण यहां लोगों की कीमती जमीन खराब हुई। वहीं सरकार के करोड़ों रुपए विभाग एवं ठेकेदार की मिलीभगत से स्वाह हो गए। यही नहीं, पूर्व में बने छोटे टैंकों का हाल भी वैसा ही दिखाई दिया, जो पत्थरों के खंडरों में तब्दील हो रहे हैं। सोलन मंडल के सुल्तानपुर क्षेत्र के बड़ोक पंचायत के आंझी ब्राह्मणा एवं बोहली पंचायत के बोहली गांव में बने इन दो टैंकों की सूरत देखने से तो लगता है कि ये भंडारण टैंक पानी के लिए नहीं बल्कि बच्चों को क्रिकेट खेलने के लिए बनाए गए हैं। टैंकों की दुर्दशा साफ दिखाई दे रही है। निर्माण सामग्री प्रयोग करने वाले ठेकेदार अधिकतर राशि डकार कर मजे कर रहे हैं। लोगों की कमाई से एकत्र टैक्स में दिए गए सरकारी धन का दुरुपयोग यहां साफ देखने को मिल रहा है। आंछी गांव के स्थानीय लोगों ने कहा कि विभाग के लोगों से जब इस संदर्भ में संपर्क किया गया व निर्माण के दौरान शिकायत की गई, तो विभाग के कर्मचारियों का कहना था कि तकनीकी जानकारी विभाग को है, न कि उन्हें। लोगों ने सोलन उपायुक्त से मामले की जांच करवाने व दोषियों को सजा दिलवाने की मांग की है। वाटर बॉडी बनी है, ये जब से बनी है इसमें एक बूंद भी पानी नहीं ठहरती। एक दिन पानी हम करते हैं इधर को, दूसरे दिन को बिल्कुल खाली हो जाता है। अब ये हमारी पशुओं के चरने की भूमि थी, कुछ यहाँ उपजाऊ हम इसमें बिजाई बिजुई करते थे, खेत थे यहाँ, वो खेत भी गए। इतना बड़ा एरिया ये सारा जो है ये बेकार हो गया। इसमें लाखों रुपए लगा लेकिन हमारे को एक पैसे का भी फायदा नहीं। डिपार्टमेंट वालों को हम बोलते थे तो बोलते कि आप कौन से टेक्निकल बंदे जो जानते हैं, हमारे क्या पता, तुम्हारे क्या पता इसके बारे में। दो तीन बार शिकायत कर दी, कोई असर नहीं हुआ किसी के ऊपर। हम ये चाहते हैं कि इसको ठीक ढंग से बनाया जाए दोबारा से, जैसे कैसे भी इसमें पानी रुकना चाहिए। पे जो ये टैंक बनाया हुआ है इसका हमारे को कोई फायदा नहीं हुआ जी। इसमें या तो ठेकेदार या कोई एचपी आईपीएच वालों की कोई मिली भक्त है, हमारे को इसकी जांच करवानी है क्यों इसमें पानी नहीं टिकता है, हमारे को इसका कोई फायदा नहीं हुआ। हमारे लिए यहाँ पशुओं के लिए बनाए चुगते थे यहाँ पे, और अब ये टैंक बनाया गया है और टैंक से जो फायदा हमारे को होना चाहिए था वो नहीं हुआ बिल्कुल नहीं। और इसमें जिन्होंने भी ये काम यानी कि ये सपोर्ट दिया हुआ इसको बनाने के लिए, वो इस टैंक की यानी कि छान बीन करे। हमारी आज ये है कि यहाँ पे हमने टैंक बनाया था बनवाया है, और इस टैंक में आज तक हमने कभी पानी नहीं देखा बिल्कुल भी। इससे नीचे हमारे 100 बीघे जमीन है, 100 बीघे जमीन का हमने सोचा हमारे को फायदा होगा, हम कुछ करेंगे खेतों में, लेकिन हमारा कुछ भी नहीं हुआ। वहीं बोहली पंचायत के लोगों ने अपनी व्यथा बतलाते हुए कहा कि उनके गाँव में बना टैंक मात्र शो पीस बनकर रह गया है। उन्होंने कहा कि बार बार विभाग के अधिकारियों को शिकायत करने के बाद भी उनके कान पर जूं तक नहीं रेंगी। हमारे यहाँ पे जो ये वाटर बॉडी बनी है ये बिल्कुल इसमें 1% भी पानी नहीं रुकता, ना आज तक रुका कभी। और विभाग ने इतना पैसा खर्च किया है, मेरा ख्याल से 40-50 लाख रुपया तो इसके ऊपर खर्च हुआ ही होगा, बट 1% भी किसी को कोई है ही नहीं, कुछ भी नहीं, पानी की एक बूंद भी नहीं रुकती इसमें जब से ये बनी है। तो हमारे लिए तो ये इतना पैसा मतलब कि एक तरह से वेस्ट हुआ है। अगर कहीं अच्छा पैसा जैसे लगाया, जितना पैसा लगना चाहिए था उतना पैसा लगा नहीं है, शायद या तो रॉ मटेरियल है या जो भी कुछ है वो विभाग इसके ऊपर कोई कार्रवाई करे। हमारे तो सरकार से यही निवेदन रहेगा मेरा, विशेषकर सरकार से, कि इसकी जांच होनी चाहिए, और जो भी अधिकारी या ठेकेदार जो भी इसका निर्माण कार्य की जो कंपनी थी उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। ये जो वाटर बॉडी बनाई गई है इसका हमें कोई भी फायदा नहीं हो रहा है। गवर्नमेंट ने ये बना तो दिया है लेकिन इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं टिक रहा है, और ये गवर्नमेंट को इसकी जाँच करनी चाहिए आके, ये कि रिचार्ज सोर्स में इसमें बिल्कुल पानी नहीं टिक रहा है, उसकी दोबारा जानकारी करनी चाहिए। और हमारे को यहाँ तक कि हमारे को हमारे पशुओं को भी पानी नहीं मिल रहा है पीने को, और हमारे यहाँ तक कि हमारे को अपने आप को भी पे पानी नहीं है। इस बारे में जल विभाग के अधिशासी अभियंता सुमित सूद ने कहा कि उनके कार्यकाल में ही सोलन मंडल में 84 टैंक करीब 14 करोड़ की लागत से बनाए गए थे। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की योजना के तहत ये टैंक बनाए गए थे।
उन्होंने आंची व बोहली गांव के टैंकों के बारे में पल्ला झाड़ते हुए कहा कि इस बार वर्षा न होने के कारण ये टैंक खाली है। उन्होंने कहा कि यदि कोई और वजह है तो वे मौके पर जाकर इन टैंकों की कमियों को देखकर उसका जीर्णोद्धार करवाएंगे। सोलन मंडल के अंतर्गत AIBP सेंट्रल गवर्नमेंट के तहत हमें फंड आया था, उसमें हमने 84 वाटर बॉडीज बनाई हैं पूरे सोलन मंडल में, जिसमें कि कुछ कंडा घाट में हैं, कुछ धर्मपुर में हैं, कुछ सोलन में हैं। अब कुछ हमारी वाटर बॉडीज थी 14 करोड़ के आसपास की, तो उसमें काम हुआ था, तो ये हमारी शेल्फ लगभग कंप्लीट हो गई है। वाटर बॉडी पे एक्चुअली डिपेंड करता है कि आपकी वाटर बॉडी की कैपेसिटी कितनी है, तो जनरली 1 लाख पर उसकी 1 लाख लीटर के आसपास जो कॉस्ट पड़ती है वो हमारी लगभग 1 लाख के आसपास आती है। पानी नहीं आया तो हो सकता है कि जैसे वर्षा का नहीं होना, काफ़ी दिनों से वर्षा नहीं हुई है, तो रीज़न ये हो सकता है। दूसरा, उसमें वहाँ जाके थोड़ा विजिट करना पड़ेगा, मैं आज जाके खुद मौका देख के आऊँगा, अगर वहाँ कुछ ऐसा होगा तो उसमें देखेंगे त्वरित क्या कार्रवाई कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, सोलन।